अरे आज कितनी तारीख, आज कितनी तारीख, 14 तारीख, क्यों 4 दिन बीत गए? शिविर नहीं लगा था तो आपने एसडीएम को फोन किया, आपने एसडीएम क्या धरना दिया? मेरे को कोई मतलब नहीं, मुझे एक दिन भी डिले अगर हो गया तो मैं फांसी टांगूंगा। मुझे एक टीका छूट गया, खेत में लगाओ, घर में लगाओ, आदमी के पैर में लोटे रहो, नहीं लगवा रहा उसके घर में बैठे रहो, 24 घंटे उसके घर में हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहो, आई डोंट बॉदर, मुझे पूरे के पूरे टीके चाहिए। अब मुझे बताइए 153 जो ऑनलाइन दिख रहे हैं ये क्या, 95 के अलावा इन सूची से मैच किया जो एक्स्ट्रा नाम दिख रहे हैं उनका क्या? मेरे को या तो मत बोल, 153 माइनस 95 कितना हुआ, कितने एक्स्ट्रा बचे? 58। उन 58 पे वर्क कर लिया? कर लिया। क्या हुआ? 21 तारीख से लगा लिया ये सूची है। क्या 21 दिसंबर से ऐसा नहीं रखा? 21 ने बता दिया सूची बड़ी सर, डेट बड़ी। तुमने इनको ये सूची दी 153 की पेंडिंग अमरुण को? मुझे पहले बताओ 153 की सूची कौन थी? मैं आपकी आगे, मैं मुझे आपकी बात सुननी है, I will not ask him। मुझे 153 की सूची दिखाओ जो ये ऑनलाइन निकली है, सूची दिखाओ अमरुण की, 153 की सूची। कब दी तुम्हें सूची? इनको कब दी सूची इनके हाथ में? तो झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे उससे नहीं मतलब है यार, तुम फिर दूसरी बात करने लगे, किसको वैक्सीन लगी किसको नहीं लगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरी सूची पे बात करनी है, मेरे लिए केवल यही टारगेट है, दूसरा कुछ टारगेट नहीं। मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से प्रदेश में टीकाकरण अभियान समय पर पूरा नहीं हो पाया और अब बौखलाहट में बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं। जिस तरह से कलेक्टर साहब अपने माथत कर्मचारियों से कह रहे हैं अगर टीकाकरण पूरा नहीं हुआ तो फांसी पर टांग देंगे, ये घोर निंदनीय बर्ताव है। कलेक्टर साहब स्वयं जमीन पर नहीं जाते हैं, फील्ड पर काम नहीं करते हैं, परिणाम निकला है कि टीकाकरण नहीं हो पाया है और ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों को धमकाना, इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए, यह केवल मध्य प्रदेश के जंगल राज की तस्वीर दिखाता है।